अभी हमारा चौदहवीं विधानसभा के गठन के बाद पहला सत्र तीन दिन का ये सत्र आज इसकी समाप्ति हुई। और आज का दिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन, इस नाते से कहा जा सकता है कि हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा और पंजाब का एक ज्वाइंट सेशन आज ये हुआ और विशेष प्रसंग था। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मोत्सव, प्रगटोत्सव, और इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका मार्गदर्शन हमको मिला और एक भाईचारे का संदेश, गुरु नानक देव जी के शिक्षा के ऊपर चलने के लिए न केवल हरियाणा और पंजाब के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि उस समय की जैसी परिस्थितियाँ थी, गुरु नानक देव जी के संदेश का एक बहुत प्रभाव उस समय था और उसकी बहुत बातें आज भी समाज के लिए उसी प्रकार से प्रासंगिक हैं। आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम ये बनाकर रखना चाहिए। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसकी सेवा, उसका उत्थान, उसके लिए सदैव काम करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सभी राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है कि हम समाज के ऐसे जो पिछड़ा वर्ग है, ऐसे जो वंचित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए, सेवा के लिए काम करें, अपनी योजनाएं बनाएं। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और ये पहली बार हरियाणा और पंजाब का 53 साल के अंदर ये कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं पंजाब के सरकार को, पंजाब विधानसभा के स्पीकर को, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा को इसमें शामिल किया। सर, पहला सेशन कोई योजना है कि हरियाणा के लोग भी सामूहिक रूप से, विधायक खासकर, करतारपुर या सुल्तानपुर लोधी जाएं? देखिए, आपका सुझाव अच्छा है। मैं आज के दिन इतनी एक नई घोषणा जो मन में आई है, जिसका विचार हमने किया और उस पर मैं कह रहा हूँ कि सुल्तानपुर लोधी, अपना करतारपुर साहिब भ्रमण के लिए हरियाणा के जो लोग वहाँ जाएंगे, 5,500 लोगों को हम उनका जो बस का या रेल का किराया ये उपलब्ध कराएंगे। फर्स्ट सर्व बेसिस पर 550 साल ये उत्सव है, तो 5,500 लोग हरियाणा से जहाँ से भी जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स को हम उसका प्रावधान बता देंगे, वो पहले वहाँ से कूपन लें और बाद में उनकी यात्रा का अपने घर से लेकर के और करतारपुर साहब तक का जो बस अथवा ट्रेन का किराया है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सर, पहला सेशन भी था नई सरकार का, किस तरीके से मतलब जनता क्या एक्सपेक्ट करें नई सरकार से, किस तरीके से सरकार चलेगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है। हमने कमेटी बना दी है श्री अनिल विज जी की अध्यक्षता में, जिसमें 2 सदस्य JJP के होंगे, 3 भारतीय जनता पार्टी के होंगे। 15 दिन में वो दोनों पार्टियों का जो संकल्प पत्र है या जनसेवा पत्र है उसका अध्ययन करके और उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम सबसे पहले लागू करेंगे। बहुत सी बातों का उल्लेख तो महामहिम गवर्नर साहब के एड्रेस में भी शामिल किया गया है और भी बाकी सब चीज़ें, उसका सब प्रावधान हम करेंगे, रिपोर्ट जैसे मिलेगी उसके बाद सबको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जी, सत्र खत्म हो गया, अब इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का, उसकी क्या योजना है सर, कब तक संभावित है? और आज के बाद मुख्य काम वही है, बहुत जल्दी करके आपको बताएंगे।